ये पता था कि अक्षरा और मिलन बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ये लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट भी ये कर रही थी कि वो ही दोनों कनेक्शन बने. जब वो नेहा भसीन एंड इनका भैया का कनेक्शन बना तो हम भी थोड़े से वो गए थे कि अरे, पर भैया उतने वो नहीं है कि वो किसी पर हुकुम चलाएं, किसी को डोमिनेट करें. जजमेंटल होना और एक ओपिनियन रखना, जब वो खुद ही सिखा रही है कि तुम ओपिनियन रखो अपने. निशांत और मूस के लिए मैं कहूंगी कि ये प्लान्ड लग रहा है, मतलब ऊपर ही लग रहा है कि निशांत, क्योंकि कभी भी पलट सकते हैं. ओके अबे मैं आरती हूँ एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेली रिपोर्टर। थैंक यू आरती. ओके पल्लवी, यू नो सबसे पहले तो ये बताइए कितना मिस कर रही हो आप मिलन को, बिकॉज घर के अंदर है, और कैसी लग रही है उनकी गेम, बिकॉज रक्षाबंधन भी आके गया एंड आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर्स ऑन इंस्टाग्राम जो आपने पोस्ट किया था मिलन के साथ। इट वाज सो सो क्यूट आई मस्ट से। बहुत 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 मिस कर रही हूँ उनको, मिस कर रही थी रक्षाबंधन पर भी, क्योंकि पहली पहला कोई ओकेजन है जिसपे वो नहीं है. तो पर ये है कि किसी अच्छे के लिए ही वो वहां पर है, तो उस रीजन से और मोटिवेशन मिलती है कि वो अगर वहां पर है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं रहें, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कैसे लग रहा है मिलन को, बिकॉज कैसे था उनका बिहेवियर लाइक व्हेन ही वाज अबाउट टू एंटर बिग बॉस हाउस, क्या क्या थे उनके, नर्वस थे वो के एक्साइटेड थे? नर्वस भी थे एंड एट द सेम टाइम एक्साइटेड तो बहुत ही ज्यादा थे. उनके साथ साथ हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे. नर्वस हम नहीं थे क्योंकि हमें लग रहा था कि वो एक एग्जाम्पल सेट करके आएंगे बिग बॉस में, क्योंकि बिग बॉस इज ऑल अबाउट फाइटिंग, बहस, लड़ाई झगड़े, ये सब. तो हमें ये लग रहा था कि चलो यहाँ से ये जाएंगे तो ऑडियंस को भी, ऑडियंस का ना एक मिथ खत्म होगा कि बिग बॉस में सिर्फ लड़ाइयाँ होती है. नहीं, ये वो क्लियर करके आएंगे कि प्यार से, पेशेंटली, पीसफुली भी गेम जीती जा सकती है अगर ऐसा होता है तो. पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने कनेक्शंस बनते हुए देखे होंगे स्टेज पर, जब आपको पता चला कि मिलन का नेहा के कनेक्शन है, क्या थॉट था आपका? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि गेम में ये मोड़ आएगा जहां नेहा साथ छोड़ सकती है मिलन का? सी, हमें ये तो पता था कि मिलिंद एंड अक्षरा आर गोइंग इन बिग बॉस, और ये भी पता था कि वो पहले से दोस्त हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रेंड्स में बात होती रहती थी. तो ये पता था कि अक्षरा और मिलिंद बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ये लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट भी ये कर रही थी कि वो ही दोनों कनेक्शन बने, कि पहले से ही अंडरस्टैंडिंग एक बैठी बैठ जाती है कि दोस्तों में, कि वो एक कनेक्शन पहले से ही बाहर से लेके आए होते हैं, तो अच्छी तरह निकलती है जर्नी, है ना. तो जब वो नेहा भसीन एंड इनका भैया का कनेक्शन बना तो हम भी थोड़े से वो गए थे कि अरे, क्योंकि ये उनका प्रोमो देखकर हमें लगा था कि बहुत ही बॉसी हैं, बहुत डोमिनेट करती होंगी. तो वो चीज़ एक्चुअली गेम में भी दिखी कि वो एक्चुअली बॉसी हैं, जो कि ठीक है, बुरी बात नहीं है, अब सबका अपना अपना नेचर होता है. पर भैया उतने वो नहीं है कि वो किसी पर हुक्म चलाएं, किसी को डोमिनेट करें. तो वो चीज़ हमें भैया के लिए बुरी लग रही थी कि यार ये क्या हो गया, कहाँ पर फंसे हैं. तो वो अपने मन की नहीं कर पा रहे थे, विच इज ओके. गेम की अगर स्ट्रेटेजी लड़ने की है तो नेहा भसीन वही सिखा रही थी उनको कि लड़ो, अपने स्टैंड के लिए लड़ो, कुछ बोलो ताकि तुम दिखो, राइट. तो वो अपने पार्ट पर गलत नहीं है, पर भैया का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है. वो बिल्कुल शांत तरीके से खेलते हैं, जो कि अक्षरा है. वो सिर्फ अपने उस पर बोलती हैं, मुद्दे पर बोलती हैं, राइट, हर सही के लिए लड़ती हैं. तो वो हमें अब कनेक्शन देखकर अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो हम सोच रहे थे वो अब हुआ है. प्रतीक और नेहा ने जो किया अपना कनेक्शंस चेंज कर, वो गलत था या सही था आपके अकॉर्डिंग, क्या क्या राय है? सी, मैं प्रतीक के लिए बोलूंगी कि उन्होंने कोई बात नहीं, किया तो किया, ठीक था, उनकी वे ठीक थी करने की. पर नेहा ने जैसे एलिगेशन लगाए हैं वो चीज अच्छी नहीं लगी हमें, क्योंकि जजमेंटल होना और एक ओपिनियन रखना, जब वो खुद ही सिखा रही है कि तुम ओपिनियन रखो अपने, और जब फाइनली वो करने लगे हैं तो तुम्हें ही उससे दिक्कत हो रही है. तो ये हिपोक्रेसी हमें समझ में आई नहीं कि यार जब सिखा चुके हो अब तुम कि तुम अपना स्टैंड लो, तुम बोलो, तुम ओपिनियंस रखो. अब जब वो रख रहे हैं और उन्होंने प्राइवेट में आके नेहा को बोला कि सर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, विच इज ट्रू, क्योंकि सबके सब ये कह रहे थे कि यार नेहा तो प्रतीक के साथ ज्यादा रहती है, गाबा के साथ कम रहती है.
तो वो उन्होंने बजाय कि भरी महफिल में मजाक उड़ाने के, उन्होंने प्राइवेट में आके बोला, जो कि उनका नेचर भी है कि वो प्राइवेट में आके बोले, पर उसको नेहा ने गलत वे में लिया और नेहा ने फिर 10 लोगों के सामने एलिगेशन लगाए। वो वे बुरा था। अगर वो पहले से प्लान करके बता देती कि हम मैं तेरे साथ ऐसा करने वाली हूँ तो तू देख ले, तो वो ज्यादा एक्सेप्टिंग लगता। एक यू नो एक पार्ट आया था जब मिलन का एक्चुअली आउटबर्स्ट निकला था नेहा पर, जहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो हर बार उनके सुनते हुए नहीं रहेंगे बिकॉज वो यही चाहती है कि कोई उनको फॉलो करे। मिलन ने ये बात भी कही थी कि वो उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। सो डू यू थिंक कि वो एक राइट पाथ था कि थोड़ा सा अगर डिटैच हो जाते मिलन तो आज उनको इतना हर्ट नहीं होता कनेक्शन? वो एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हमेशा हम किसी के नौकर बनकर नहीं आए, राइट? सब अपने 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 फील्ड में अपने बहुत किंग्स एंड क्वींस हैं जो भी लोग आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे को नीचे गिरा दो, या जो तुम बोलो वो वही करेगा। अगर तुम कह रहे हो कि तुम बोल, तो उसको भी ओपिनियन रखने का हक है। और एज अ कनेक्शन में ये सोच रही थी कि अगर वो कोई सजेशन दे रहा है तो दूसरे का भी सजेशन ले, अग्री टू डिसअग्री इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है वो चीज में, पर एक कंक्लूजन पे तो आता है। तो वो नेहा नहीं ले पा रही थी कि अगर कोई भी कुछ भैया कुछ भी कह रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि नहीं यार तू गलत है, तू मेरी सुन। तो ये भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ी सी लड़ाई चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कि ये डिसएग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। वो फिर लीड्स टू दिस थिंग सेपरेशन, जो कि हो चुकी है। और अक्षरा, प्रतीक और नेहा, यू नो जिन्होंने भी स्विच किया अपने कनेक्शन को, वो नॉमिनेट हो गए हैं, क्या लग रहा है? बिकॉज आज सुबह ही थोड़ा आउटबर्स्ट भी आया, बहुत इमोशनल होते हुए भी नजर आए मिलन, जहाँ पे वो यू नो कनेक्शन टूटने पर दुखी भी थे, एंड कहीं ना कहीं उनको अभी ये फीलिंग आ रही है कि वो शायद इविक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते। क्या कहना चाहोगे इस पर? सी, उन्हें जो फील आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि बिग बॉस में अगर तुम लड़ो ना, तुम चीखो ना, तो तुम नहीं दिखते, तुम्हें होस्ट नहीं पूछेगा वीकेंड पर। अगर जब तक तुम्हारा कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो कि यार कोई, आपने ये भी देखा होगा कि लोग नमक पर भी लड़ते हैं कि नमक का डब्बा कहाँ है, इस पर लड़ाई कैसे हो सकती है, राइट? हम बाहर में ऑडियंस हम ये सोचते हैं कि नमक के डब्बे पे कोई कैसे लड़ सकता है, और ये सेम जो थिंकिंग है कि भैया की अंदर की, इतने छोटे मुद्दे पे कोई क्यों लड़ेगा, राइट? तो वो सिर्फ ये कि कैमरा पे जब तक तुम दिख रहे हो, जब तक तुम लड़ रहे हो, चीख रहे हो, वो चीज भैया नहीं करते हैं, इसलिए उनको शायद इनर फीलिंग आ रही है कि यार मैं ये सब नहीं कर सकता, इसलिए ये शो मेरे लिए नहीं बना इसलिए मैं शायद इविक्ट हो सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस साथ दे और सपोर्ट करे, और क्योंकि वही मेरे को लगता है कि एक पीसफुल, एक पेशेंट, एक काम बंदे हैं घर पे, अपार्ट फ्रॉम राकेश, राकेश भी बहुत काम है, जो कि कामली सिचुएशंस को हैंडल करें, तो लोग अगर ये समझें कि यार शांति से कोई एक बंदा चाहिए, रोज रोज चिक 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 नहीं सुन सकते हम, तो वो सेव हो जाए, बस मैं यही प्रे करती हूँ, सेव हो और आगे और बढ़े। बिल्कुल जी। ओके पल्लवी, यू नो निशांत ने आज ये बात कही जब इनका ब्रेकडाउन हुआ मिलन का, उसके बाद कहीं ना कहीं नेहा से वो ये बात कहते हुए नजर आए कि उनको मे भी शायद ये चीज इसलिए लग रही है बिकॉज नेहा बहुत स्ट्रांग है और उनके कनेक्शन मिलन थे, तो वो थोड़ा सेफ फील कर रहे थे उनके साथ, लेकिन अब वो अक्षरा के साथ है तो कहीं ना कहीं यू नो उतनी स्ट्रांग फीलिंग नहीं आ रही उनको, तो निशांत इस बात पे क्या कहोगे? सी निशांत, पहले तो एक फ्रेज जो था, जितनी मुंह उतनी बातें, तो ओपिनियंस रखने में कोई हर्ज नहीं है कि तुम ओपिनियंस रखो दूसरों के। अब हम भी तो कह सकते हैं कि ये जजमेंटल है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना नेचर है। तो निशांत क्योंकि वो एक प्लेयर ही है, वो कहकर खेल रहे हैं कि मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, तो वो उनके माइंड में पहले से ही 24 घंटे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजाइज करते रहते हैं वो चीज़ें। तो बस ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो सपोर्ट ले रहे थे नेहा भसीन का, भैया वो अपने आप भी खेल सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा क्लीन गेम खेल सकते हैं, जो कि शायद बिग बॉस का कंटेंट नहीं है। क्लीन गेम बिग बॉस को पसंद है ही नहीं, उनको पसंद है कि लड़ाई करें, मसाला दें, हाथापाई करें, थोड़ा बहुत कुछ गाली गलौच हो, क्योंकि अभी OTT है तो गालियां भी सुनने को मिलती हैं, और तो ऑडियंस वेट कर रही थी ये यार ये बातें बातें तो होती रहेंगी, गाली गुली सुनाओ, कुछ लड़ाइयां करो, तो वो भैया का नेचर है ही नहीं।
पल्लवी यू नो आपने झगड़े तो बहुत देखे हैं बिग बॉस में, लेकिन अभी यू नो बहुत ऐसे कह सकते हैं कि बिग बॉस में प्यार की हवा भी थोड़ी चल रही है। आपने देखा होगा राकेश शमिता है, निशांत और मूस का नाम भी आया था, एंड रिसेंटली अब प्रतीक और निया है। क्या कहोगे यू नो ये जो लव एंगल्स बन रहे घर के अंदर? निशांत और मूस के लिए मैं कहूंगी कि ये प्लान लग रहा है, मतलब ऊपर ही लग रहा है कि निशांत क्योंकि कभी भी पलट सकते हैं, और जब ये गेम सिंगल्स की हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो डिच करेंगे मूस को, और वो ऐसा डिच करेंगे कि शायद मूस को तब समझ में आएगा कि ओ शिट ये क्या था। तो वो प्लेयर हैं, वो उसी दिमाग से खेल रहे हैं कि मेरे को जिससे काम पड़ेगा, जैसे कि कल वाले टास्क में भी हुआ था कि निशांत ने वो पूरा टास्क अपना बना लिया था। पूरे घर को बोल दिया था कि मेरे को सेव करो, अगर मेरे को किसी और का नाम दिखा तो मैं फाड़ दूंगा, सब नॉमिनेट होंगे। घर वाले भी अग्री हो गए उस बात को कि चल ठीक है यार तेरे को सेव करते हैं। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों उन्होंने सबने किया कि उसको सेव किया और अपने आप को डेंजर में डाल दिया, ये नहीं करना चाहिए था। मैं भैया के लिए भी कहूंगी कि उनको भी नहीं करना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था लास्ट तक कि मैं लास्ट वाली पोजीशन पर ही जाऊंगा, रद्द होता है तो हो तब सारे नॉमिनेट हो तब चलेगा, पर मैं लास्ट नहीं जाऊंगा। तो ये चीज उन्होंने नहीं करी, वो हमें पता था कि वो नहीं कर सकते, वो लड़ ही नहीं सकते, वो जो वो कहेंगे वो कर देंगे। तो निशांत कर सकता है, निशांत का गेम प्लान लग रहा है बिल्कुल। नेहा एंड प्रतीक की फ्रेंडशिप लग रही है, मतलब होती है उनमें भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर ये कि नेहा बस इनको समझ में आ जाएगा कि प्रतीक से बेटर थे मेरे भैया, ठीक है। और उसके बाद शमिता एंड राकेश आर प्लेइंग वेरी डिसेंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, चाहे लोग उन्हें कुछ भी कहें, कितनी भी गालियां दे गेम में, वो मूव्स देती हुई दिखी है कि यार ये वो, पर वो काफ़ी मेच्योरली खेल रहे हैं अपनी एज के मुताबिक, बहुत ही मेच्योरली बहुत ही क्लीन गेम खेल रहे हैं, तो मुझे पसंद है। ओके, घर में आपने दो वर्ड्स बहुत सुने होंगे, एक बॉसी है और एक डोमिनेटिंग है, जो कि नेहा को मिला हुआ है और बॉसी के लिए शमिता को मिला है। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कौन है बिग बॉस में सबसे ज्यादा बॉसी और डोमिनेटिंग घर के अंदर? डोमिनेटिंग तो ऑफ कोर्स नेहा है ही, बिल्कुल है। बॉसी जो है वो दिव्या लगती है, बॉस लेडी लगती है बिल्कुल ही, क्योंकि मैं उनको एक टैग देना चाहूँगी रियलिटी क्वीन, उनको सारी चीज़ें पता है कि कैसे कैमरे पे आए, क्या कुछ करना है, टैक्टिक स्ट्रैटेजीज हर चीज़ पता है उन्हें, और वो पहले हफ्ते में सिखाते हुए भी देखी गई थी कि या तू ऐसा कर तू वो कर, हो सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि वो हो सकता है, ये सब चीज़ें उनको उनके दिमाग में चलती रहती हैं, तो वो पहले भी रियलिटी शोज़ करके आई हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लेकर आई हैं, तो ये उनकी तारीफ है कि वो बॉस लेडी है, उनको मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात में कि ओके। और प्रतीक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज़ वो भी एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी बेस रखते हैं, उनका भी रियलिटी शो से यू नो नाता है पुराना, वी कैन से दैट। क्या लग रहा है उनको जिस तरह से गेम के अंदर जा रहे हैं, क्या लग रहा है आगे तक जा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके गेम में यू नो फुल स्टॉप आ सकता है? सी अगर वो लड़ते रहेंगे तो जा सकते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली ये समझ में आ गया है कि लड़ते 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 ही आगे वो लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, ये चिकन चिल्ली वाला ही गेम है, यहाँ पर लोगों को इवन बिग बॉस को भी प्यार समझ में नहीं आ रहा है, तो लड़के ही कोई आगे जा सकता है। पर प्रतीक एज अ पर्सन मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही इमोशनल है वो भी, जैसे कि आज हमने सुबह देखा कि उनकी भी एक इमोशनल साइड थी, उनको समझ में आता है कि कौन दुखी है कौन बुरा फील कर रहा है, तो उनसे वो जाकर बात करते हैं, विच इज बहुत बहुत ही अच्छा, नेक दिल इंसान ही कर सकता है, अगर जिसके सीने में दिल नहीं है ना वो नहीं कर सकता। निशांत है वो खुद ही कहते हैं कि वो इमोशंस घर छोड़ कर आए हैं, तो वो बड़ी मुश्किल चीज़ है वो करना, तो ये प्रतीक के बारे में तारीफ है कि वो काफ़ी इमोशन है उनमें, इमोशंस भरे हुए हैं और वो दिखते भी हैं। एंड अक्षरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज अब तो वो मिलिंद की पार्टनर है, अब तक के यू नो पीरियड में आपको लगा कि मिलिंद और अक्षरा का कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जब इनका कनेक्शन नहीं था तब भी वो बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि अक्षरा एंड मिलिंद वो मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में ही दिखे हैं, खी खी खा खा खेलते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, ये सब दिखा है, तो हमें तो वैसे भी अच्छा लगता था कि यार दोस्त के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, और ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, और अब जब कनेक्शन बन गया है तो हमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अक्षरा ने खुद ये बोला है कि मैं इसको खेलना सिखा दूँ, जो कि अक्षरा कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल कर सकती हैं, और
भैया एज अ फ्रेंड वो मानेंगे भी, क्योंकि उनको पता है कि ये ठीक खेल रही थी, ये स्टैंड ले रही थी हर चीज पर, हर गलत चीज पर स्टैंड ले रही थी, और साथ में इनकी फ्रेंडशिप तो क्यूट है ही, साथ में जीशान भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। कैप्टनसी टास्क चल रहा है घर में, क्या लग रहा है कौन बन सकता है कैप्टन? चाहती तो मैं यही हूँ कि भैया और अक्षरा बने, क्योंकि वो नहीं बने हैं तो एक क्योंकि वो नहीं बने हैं। हाँ मैं ये फील करती हूँ कि अगर ये अंदर बैठे ये सोच रहे हैं कि 6 हफ्तों का गेम है और 4th हफ्ता स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट बनना तो चाहिए यार, हर एक को वो मिलना चाहिए। और भैया जेन्युइन मेहनत करते ही हैं वो हर टास्क में, आपने देखा होगा कि टॉप टू में आए हैं, हमेशा टॉप टू में आए हैं और बहुत जीतोड़ मेहनत करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। हालांकि माइंड गेम्स उनको नहीं आती खेलनी, तो जो जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो वो करते ही हैं और वो डिजर्विंग भी हैं। मुझे लगता है कि पीसफुली कुछ 1 हफ्ता निकल सकता है, थोड़ा बहुत ना लड़े। अगर पहले भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा तो लास्ट वीकेंड के बाद में करण जौहर को भी बहुत से सेलिब्रिटीज ने बैश किया है, यू नो वो भी, उन्हें भी दिव्या को लेके यू नो हर बार कहा गया कि वो थोड़े बायस्ड और थोड़े यू नो इक्वालिटी नहीं नजर आ रही है उनके होस्टिंग में। सो क्या कहना चाहोगे उस पर? आपको भी ऐसा लग रहा है जब आप एज अ व्यूअर शो को देखिए? बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि जब उन्होंने जीशान को टारगेट किया था कि उन्होंने बोला कि आप अपने दायरे में रहे, तो अक्षरा ने भी सेम टाइम पे ऐसा बोला था कि आप कितने में हो, कितने में आते हो, तो ये भी बहुत बुरी बात है। तो ये उन्होंने आई गई कर दी बात, तो ये बायसनेस हम खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पर चल ही रही है। जब आप सब लोग से बात कर रहे हो, जब आप हर एक कंटेस्टेंट से बात कर रहे हो, तो आप मिलिन गाबा से क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि वो आपको मैटर नहीं दे रहे हैं यार। अगर आपको मैटर नहीं दे रहे तो आप उनको बताओ ना, गाइड तो करो, एज अ होस्ट आप गाइड ही करने आए हो ना पूरे हफ्ते की रिपोर्ट लेकर, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किसने किसने क्या आंखें खोल दी किसी की, दिव्या ने शमिता के बारे में बिच किया, शमिता को बताया, तो ये बायसनेस चल रही है। मुझे लग रहा है कि वो थोड़े पार्शल हैं, शमिता की साइड पर ज्यादा हैं उनको, और दिव्या को हमेशा टारगेट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। मुझे नहीं, एज फैमिली मेंबर, मैं किसी एक कंटेस्टेंट की फैमिली मेंबर हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है कि दिव्या को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो वो चीज मुझे लग रही है कि बायसनेस तो है। ओके, यू नो इस वीकेंड के बार के बाद में यू नो घर वाले भी बहुत अगेंस्ट हो गए थे दिव्या के, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं करण के बाद उसे घर वाले भी थोड़े इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और दिव्या को कॉर्नर कर रहे हैं घर में? कर रहे हैं, क्योंकि जो करण बोल कर जाते हैं हर हफ्ते, पहले हफ्ते में भी देखा कि दिव्या बहुत अकेली रही, मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली कि दिव्या अकेले रहे, किसी ने कन्फ्रंट करने की भी कोशिश नहीं की कि अगर तूने ऐसा बोला तो तूने क्यों बोला। अगर कोई समझदार बंदा होता, अगर शमिता ही है, तो वो एटलीस्ट ये तो पूछती कि यार तूने ऐसा क्यों बोला, तो क्लियर करते करते बात एक कंक्लूजन पर आती और सॉल्व हो ही जाती, क्योंकि जब सबको पता है कि 6 हफ्ते रहना ही है यहाँ पर, तो हम क्यों ना साथ मिल के रहें, सिर्फ टास्क में दिखाएं अपना दृश्य, तो ये चीज मुझे भी बहुत बुरी लगी दिव्या के लिए। मिलन शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है, घर में उन्हें बहुत बार यू नो शादी को लेकर भी बात की गई, तो थोड़ा बता दो पहले भी कब होने वाली है मिलन की शादी और आप भी बहुत एक्साइटेड लग रही है एक्साइटेड हो मैं बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, वो लिमिट में बता नहीं सकती, वो हद नहीं बता सकती कि जितनी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम शादी पोस्टपोन करके बिग बॉस का ऑप्शन ऑप्ट किया था, कोई बात नहीं शादी कर लेंगे, पहले ही कर लेते हैं, तो नवंबर में होने वाली थी शादी, तो वो शादी छोड़ के वहां गए हैं, पर ये कि आते ही कर लेंगे, बस ये हो रहा है कि अब आए और करें शादी ऐसा भी है। आपने तैयारियां शुरू कर दी? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि आए, मतलब भाभी भी इतनी एक्साइटेड है, जो होने वाली भाभी है मेरी प्रिया, वो भी बहुत ही एक्साइटेड है कि ये आए हैं तो कर लें, क्योंकि ये रुका काम है और सब बहुत ही यू नो बहुत ही ईगर है, बहुत कीन है इस चीज के लिए कि यार मिलन की शादी है तो हम लोग तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हैं। ओके, पहले भी एक छोटा सा गेम खेलेंगे, यू नो मैं सारे कंटेस्टेंट के नाम लूंगी, आपको ना उन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है उन्हें देखकर, वन वर्ड वन सेंटेंस जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिव्या अग्रवाल। बॉस लेडी। ओके, जीशान फ्रेंड, यारों का यार। ओके, प्रतीक।
प्रतीक को क्या बोलूं मैं, अग्रेसिव काफी, क्योंकि उनका गुस्सा ज्यादा फेमस हुआ है. वन मैन आर्मी का भी टाइटल मिला है उन्हें. अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वन मैन आर्मी. ओके, नेहा डोमिनेटिंग. ओके, अक्षरा. अक्षरा क्यूट. ओके, राकेश क्वाइट. कंफ्यूजिंग. कंफ्यूज्ड पर्सन, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है गेम थोड़ा सा, तो वो कंफ्यूज्ड है. शमिता. शमिता डिसेंट क्लासी. ओके, ओके, निशांत. निशांत ओ हो, क्या बोलूं, बिची. Is it something specific that you don't like about that Nishant? पर पता नहीं ऐसा बोलना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, पर एक थैंकलेस बिहेवियर है उनमें. आई डोंट नो व्हाई, कि हेल्प तो कर दी किसी ने, कर दी चल ठीक है ना, कर दी तो कर दी, मैं तो तेरे साथ बुरा करूंगा, तो वो चीज है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता. ओके, मुस्कान. मुस्कान टॉकेटिव. आपको लगता है थोड़ा बहुत किडिश नेचर है, जैसे घर के अंदर बोलते हैं सारे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि किडिश नेचर सिलेक्टिव लोगों के साथ है. अगर किसी को जवाब देना है तो वो सबसे पहले खड़ी होगी आगे, तो वो थोड़ी सी कनिंग है, थोड़ी सी कनिंग है. हाँ, इट्स इज गुड. ठीक है यार, अपना अगर उम्र से बढ़ गई और इसमें क्या गलती है. Okay, and lastly, not the least, Milind. Milind, he is a gentleman. Yeah, he truly is. Okay, Pallavi, before wrapping up, kya kehna chahoge Milind ke fans ke liye, and is baat nominated bhi hai, kuch message dena chahoge aap Milind ke side se unke sabhi fans? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे उनके गाने को इतना ढेर प्यार दिया है पहले, वैसे ही उनको वोट करके, वोट भर भर के करो, ताकि बिग बॉस की टीम काउंटिंग भूल जाए. मैंने पहले भी बोला है कि इतने वोट करो कि काउंटिंग ही भूल जाए कि कितने वोट आए हैं यार इसको, और कितने लोग प्यार करते हैं ये खुद. आज आप, अब आपका मौका है कि आप दिखाओ कि आप कितना प्यार करते हो, तो प्लीज वोट करके सपोर्ट करो और आगे बढ़ने का मौका दो मेरे भाई. ओके, पल्लवी, इफ नॉट मिलिंद, तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट होगा जिसको बिग बॉस के मेन घर में आप देखना चाहते हो? मैं मेरे को भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अब मैं समझ रही हूँ कि तो मैं उसकी क्लास लगाना चाहती हूँ, यार ये तूने अच्छा नहीं किया था. मैं उसको देखना चाहती हूँ एक्चुअली. पक्का नेक्स्ट ईयर बॉस वाले की बात सुनने वाले, नेक्स्ट ईयर आपको इन कास्ट करें बॉस. नहीं, मैं एक्चुअली बीइंग अ फैमिली मेंबर, बीइंग अ रिलेटिव किसी की भी, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि यार थोड़ा सा गेम इधर उधर और सबको रियलिटी बता के आऊँ कि कौन किसका सगा है, कौन किसका नहीं है. क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं यार थोड़ी डिसेंट वीडियो बनाते हैं, कि किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते नहीं. जब मैंने सबकी वीडियोस देखी, सारे फैमिली मेंबर्स की, तो सबने किसी और के बारे में कुछ कुछ बोला हुआ है, और मैंने सिर्फ उनको बेस्ट विशेस दी, तो मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार अगर मैं बोल देती हूँ उनको ना कि निशान के साथ मत रहो या ऐसा कुछ मत करो, तो शायद और एक थोड़ी सी हेल्प हो जाती. बट चलो कोई नहीं. या बट एक आपको कोई पिक करना है जिसको आप देखना चाहते हो बिकॉज इफ नॉट मिलिंद. मतलब ऐसे बाहर से किसी को भी, किसी सेलिब्रिटी को घर के अंदर ही, जो घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं अभी, वो एक मेन घर को ज्वाइन करने वाले हैं, तो कौन सा कंटेस्टेंट लग रहा है जो मेन घर में जा सकता है? मेरे को जीशान और दिव्या तो लग ही रहे हैं, दिव्या एंड शमिता भी लग रही है. प्रतीक के चांसेस है, पर इन तीनों से कम. Okay, thank you, Pallavi. It was lovely talking to you and hope हम आपको अगले साल बिग बॉस में जरूर देखें. Thank you so much. Thank you, yeah. It was lovely talking to you. Stay safe and take care.